आदाब नाजरीन, जैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। बीजापुर कॉरपोरेशन इलेक्शन में बीजेपी को बीजापुर के कुल 35 वार्ड में से 17 वार्ड में कामयाबी हासिल हुई और बीजापुर एमएलए बसंत गौड़ा यतनार ने बीजापुर की आवाम का शुक्रिया अदा करने के बजाय इस जीत को अपनी जीत कहकर बीजापुर की आवाम का मजाक उड़ाया है, जबकि बीजापुर की आवाम ने बीजेपी के काउंसिलर्स को ये सोचकर जिताया है कि मरकज और रियासत में बरसरे इख्तदार बीजेपी हुकूमत से बीजापुर शहर के डेवलपमेंट की उम्मीद पर वोट दिया है। अरशद डकनी, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ ने यही, इन्होंने मजीद कहा कि बीजापुर एमएलए बसंत गौड़ा यतनार को बीजापुर की आवाम से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए मशवरा दिया कि कभी इख्तदार पर तकबर नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं अरशद डकनी राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते आज विजयपुर यानी बीजापुर का जो बलदिया का जो इलेक्शन का रिजल्ट था म्युनिसिपैलिटी का, अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे तो बहुत अच्छे आ गए हैं। 17 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 5 इंडिपेंडेंट और पहली मर्तबा एमआईएम 2 लाकर अपना खाता खोली है। मान्य यतनार साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है ना गुरूर और फखर की बात कर रहे हैं और अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि 17 बीजेपी के सीट सिर्फ यतनार साहब की तरफ से हैं। मैं मान्य यतनार साहब को इस माध्यम के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए इसी बात पर रोशनी डालना चाहता हूं, यही बात का संदेश देना चाहता हूं आप पे कि 17 जो सीट आई है बीजेपी के वो आपकी सूरत पर नहीं आई है। हो सकता है 8 या 10 आपके फॉलोअर्स यानी आपके चाहने वाले जिताए होंगे, लेकिन बाकी के जो सीट आए हैं बीजेपी के माजी मंत्री अप्पू साहब पट्टन शेट्टी की तरफ से भी आए हैं और बीजेपी सेंट्रल में भी बीजेपी हुकूमत कर रही है, स्टेट में भी बीजेपी की हुकूमत है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी मतदार को कुछ हमारा फायदा होगा, कुछ हमारा भला होगा ये सोचते हुए जो है ना बीजेपी को वोट डाले। मानना यतनार साहब अपने ऊपर ताज रखना छोड़ दीजिए, ये तो जो है ना छोटी लड़ाई है, ये तो छोटा इलेक्शन है। आने वाले इलेक्शन में आपका क्या है, आपका पोजीशन आप खुद देख लेंगे और आवाम आपको बताएगी। मैं यही बात को कहना चाहता हूं कि बीजेपी सत्ते पर ना होने के बावजूद हामिद मुशरिफ साहब और एमबी पाटिल साहब और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सभी लोग जो है ना अपने एक पोजीशन पे भी नहीं है, ये लोग एमएलए नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी 10 सीट जो लाए हैं मैं कांग्रेस वालों का धन्यवाद कहता हूं और एमआईएम के 2 सीट जो जिताए हैं आपका भी धन्यवाद कहता हूं और यतनार साहब को 1 सीट के लिए जो है बहुत तड़पड़ाना पड़ रहा है और आप अनाउंस भी कर चुके हैं कि हम म्युनिसिपल बनाएंगे। हाँ, लेकिन आपकी तो हार हो चुकी है क्योंकि